राष्ट्रहित में लोकतंत्र की मजबूती तथा नए भारत के नव निर्माण हेतु आप सभी देश के प्रबुद्ध नागरिक होने के नाते जाति धर्म संप्रदाय तथा निजी हितों से ऊपर उठकर पूरी जवाबदेही समर्पण एवं निष्ठा भाव से उत्सवी माहौल में चुनाव के लिए कार्य करें। ये बातें जिलाधिकारी संजीव कुमार ने कृषि भवन सभागार में फ्लाइंग स्क्वाड टीम तथा स्टैटिक सर्विलांस टीम के लिए आयोजित प्रशिक्षण सह कार्यशाला कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग द्वारा FST, SST तथा सेक्टर मजिस्ट्रेट के मूवमेंट के सशक्त एवं प्रभावी मॉनिटरिंग हेतु इलेक्शन ट्रेस नामक मोबाइल ऐप विकसित किया गया है। उन्होंने कहा कि बदलते सामाजिक राजनैतिक परिदृश्य के अनुरूप चुनाव प्रक्रिया भी तकनीक आधारित बन गया है। इस दृष्टिकोण से सी विजिल ऐप द्वारा मतदाताओं को प्रभावित करने से रोका गया है तथा दूसरी ओर इलेक्शन ट्रेस नामक मोबाइल ऐप के माध्यम से प्रतिनियुक्त मजिस्ट्रेट की ऑनलाइन खबर ली जाएगी तथा नजर रखी जाएगी। जिलाधिकारी ने जोर देकर कहा कि लोकसभा चुनाव बिल्कुल स्वतंत्र, निष्पक्ष, पारदर्शी एवं भय रहित वातावरण में होंगे। जिस ब्लैंक स्पॉट का जीरो रिपोर्ट रहा या नॉट रिपोर्टेड रहा उस पर कार्रवाई होगी। पहला है पब्लिक प्रॉपर्टी, उसमें दो गए तो किस पे FIR करेंगे? उस पार्टी के प्रखंड अध्यक्ष पे FIR करेंगे कि दीवार पे कैसे लिखा हुआ है, उसको मिटाने के लिए ऑलरेडी कहा जा चुका था, पेपर में निकला था। तो पब्लिक प्रॉपर्टी पे कोई वॉल राइटिंग कर दिया, पोस्टर लगा दिया, बैनर लगा दिया, तो आप उस संबंधित प्रखंड के प्रखंड अध्यक्ष पे जिस पार्टी का है उस पे FIR करेंगे। प्राइवेट प्रॉपर्टी पे है, वॉल राइटिंग है, पोस्टर है, बैनर है, तो उस प्राइवेट आदमी पे करेंगे अगर उसके पास पार्टी का परमिशन नहीं है वो लगाने का। तो इसके बाद सेकेंड कैटेगरी है वाहन का दुरुपयोग। वाहन पे झंडा लगा के घूम रहा है, लाइट लगा लिया ऊपर, बड़ा बड़ा फ्लैशर लाइट लगा लेता है, हॉर्न लगा लेता है, आगे नाम का बोर्ड लगा लेता है, गाड़ी पर है उस पर FIR होगा। लाउड स्पीकर अधिनियम का उल्लंघन। लाउड स्पीकर चलाना है 10 बजे से सुबह 6 बजे तक तो नहीं चलाना है, रात को किसी के परमिशन से भी नहीं चलेगा। इस समय मिलता है तो आप सीधे उसको पकड़ के FIR कर सकते हैं, लाउड स्पीकर सीज करके थाना में रख सकते हैं। इसके अलावा दिन